क्या अखिल गोगोई ममता बनर्जी का दामन थामने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि असम के शिवसागर से विधायक और राइजोर दल के नेता अखिल गोगोई ने शनिवार यानी कि 7 जुलाई को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से एक मुलाकात की। अखिल गोगोई ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने उन्हें राइजोर दल का तृणमूल कांग्रेस में विलय करने का ऑफर दिया है। अखिल गोगोई ने कहा, हमारा लक्ष्य क्षेत्रीय ताकतों का एक समूह बनाना है और 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है, जिसके लिए ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बेहतर चेहरा हो सकती है। अखिल गोगोई के मुताबिक ममता बनर्जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर राइजोर दल का टीएमसी में विलय होता है तो अखिल गोगोई को असम में टीएमसी का चेहरा भी बनाया जाएगा। बता दें कि अखिल गोगोई ने 2020 के अक्टूबर में जेल से ही अपने खुद की राजनीतिक पार्टी राइजोर दल लॉन्च किया था। इसके बाद अखिल गोगोई ने असम विधानसभा चुनाव 2021 में शिवसागर विधानसभा सीट से पर्चा भरा और जेल में बैठे बैठे ही उन्होंने जीत भी हासिल कर ली। इसी के साथ अखिल गोगोई असम के ऐसे राजनेता बन गए थे जिन्होंने जेल के भीतर से चुनाव लड़ा और जेल के भीतर से चुनाव लड़कर चुनाव जीता भी। आपको बता दें कि अखिल गोगोई पर UAPA के तहत मामला दर्ज था और उन्हें 2019 के असम में CAA विरोधी आंदोलन के समय गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब वो जेल से बाहर हैं और अब वो चाह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक रीजनल फोर्सेस तैयार हो और इस रीजनल फोर्सेस में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एक बेहतर चेहरा बने और नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर दिया जा सके, ताकि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जा सके। और अधिक खबरों के लिए लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।